और पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी वजीर आजम इमरान खान के लिए बड़ा चैलेंज बन गई। ज़राए के मुताबिक एक साल कारकर्दगी आवाम के सामने पेश ना करने पर वजीर आजम ने इजहार नाराजी किया है। 36 वज़रा में से सिर्फ 7 ने अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट्स पर ब्रीफिंग दी है। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी वजीर आजम इमरान खान के लिए चैलेंज बन गई है। इसी पर हम बात करेंगे शाहिद चौधरी से। शाहिद बताएगा, 7 ने तो कारकर्दगी रिपोर्ट्स दे दी, बाकी के बारे में क्या है? जी बिल्कुल, इस हवाले से जो है पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी जो है वो वजीर आजम इमरान खान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है और खासकर वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के होते हुए जो है और भी ज्यादा चैलेंज का जो है उनको सामना करना पड़ा है। एक साल कारकर्दगी पर आवाम के सामने वजीर आजम की वाजिया हदायत थी कि तमाम वजरा जो है वो अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट जो है वो मीडिया के सामने आकर ब्रीफिंग दें, उनको बताएं कि उन्होंने एक साल कारकर्दगी के अंदर अवामी मफाद में क्या क्या काम किए हैं, कौन से मनसूबे शुरू किए हैं, कौन से मुकम्मल किए हैं, कौन सी इस्लाहात जो है किए, ताकि अवाम को पता चल सके कि पंजाब हुकूमत जो है वो क्या काम कर रही है। लेकिन अभी तक इसमें सूबाई वजीर हाउसिंग, सूबाई वजीर जेल खाना जहाज, सूबाई वजीर आपाशी, सूबाई वजीर एक्साइज समेत मुतअद्दिद वज़रा ऐसे हैं जिन्होंने अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट जो है वो मीडिया के सामने पेश नहीं किया और ज़राए का ये भी कहना है कि उनकी कारकर्दगी रिपोर्ट जो है अभी तक मुकम्मल भी नहीं हो सकी है। 36 वज़रा में से सिर्फ 7 वज़रा ने अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट जो है वो अपनी जो है वो तैयार की, जिसकी ब्रीफिंग जो है मीडिया के सामने वो भी दी गई। अभी तक जो है आशम जवाब वक्त की जानिब से मीडिया ब्रीफिंग जो है वो नहीं दी गई है, मियां महमूद रशीद की जानिब से मीडिया ब्रीफिंग जो है वो नहीं दी गई है, महबूबे आबादी की जानिब से जो मीडिया ब्रीफिंग दी जानी थी वो नहीं दी गई है। इसी तरह सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट, ज़कातो अशर, इसी तरह वुमेन डेवलपमेंट समेत मुतअद्दिद वज़रा ऐसे हैं जिनकी कारकर्दगी रिपोर्ट अभी तक जो है वो सामने नहीं ला जा सकी। और अब मौलाना फजलुर रहमान का जब आजादी मार्च आ रहा है, उस हवाले से अवाम जो है वो कारकर्दगी के हवाले से भी सवाल करेंगे, तो उस हवाले से भी वजीर आजम का वाजिया इजहारे नाराजगी जो है वो सामने आया है कि पंजाब हुकूमत की जो कारकर्दगी है इससे अवाम को नजर आना चाहिए। बताएं कि आप लोगों ने अभी तक ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद, आपने हमें अपडेट किया।